फिलहाल अभी तो यहाँ पे देवनार में बहुत काम वगैरह चालू है, वो पता नहीं क्या काम हो रहा है, बहुत सारे पत्थर निकाल के रखे हुए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मुस्तफ़ा एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश में भीग रहा है तो छाता क्यों लेके बैठा है, क्योंकि मैं अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मोबाइल नहीं, मेरी सिस्टर का मोबाइल है। आज मैं मेरी सिस्टर के मोबाइल से व्लॉग कर रहा हूँ और उस मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अम्ब्रेला यूज़ कर रहा हूँ। बाकी हम लोग भीग रहे हैं सुबह से, सोहेल बैठा है मेरे साथ और एक गार्डन में, गार्डन नहीं बेसिकली यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे घास वगैरह है, तो हम लोग यहीं पे बैठे हैं। अभी देखेंगे फ़िलहाल कहाँ जाना है और आप लोगों से थोड़ी इम्पोर्टेंट बात भी करनी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा सुशांत सिंह के बारे में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है। मतलब जब भी मैं नया वीडियो बना रहा हूँ यार, कोई ना कोई इतना मेजर टॉपिक निकल के आ रहा है कि उस पर मुझे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एक को अपना अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए और अपनी अपनी बात रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप लोगों को एक देवनार की भी अपडेट देना है। शायद से ये साल देवनार नहीं स्टार्ट होगा, मतलब ये साल मंडी नहीं लगेगी। जो भी जितने भी सेलर्स हैं, गुड सेलर्स, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इस साल। बताया जा रहा है कि बहुत कम बकरे आएंगे ये साल, क्योंकि एक उर्दू न्यूज़ है, उसमें आर्टिकल एक छपा है जिसमें बताया कि उसमें ये बार शायद से हो सकता है कि बकरा मंडी ना खुले। देखते जो भी फर्दर अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे देवनार के जस्ट सामने। सो वहाँ पर है देवनार और मुझे नहीं लगता कि ये साल कुछ होगा, क्योंकि अंदर काम भी बहुत कुछ चालू है और बारिश देख रहे हो आप लोग कितनी हो रही है अभी फ़िलहाल मुंबई में। यहाँ पे है ये एमवर्ड है, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है और इसके जस्ट यहाँ पे है देवनार। तो ये साल बहुत मुश्किल लग रहा है गाइस देवनार का स्टार्ट होना। सो बेसिकली मैं अलग अलग एंगल से वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा सोर्सेस है नहीं और बारिश हो रही है, तो मेरे पास एक ही मोबाइल है तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को डिफरेंट एंगल से अच्छा शूट करके बताता। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पे देवनार में बहुत काम वगैरह चालू है, वो पता नहीं क्या काम हो रहा है, बहुत सारे पत्थर निकाल के रखे हुए। मे भी हो सकता है कि ये साल ना हो, बकरा मंडी ना लगे, तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि बहुत सारे गोट सेलर को प्रॉब्लम होगी ये साल। और देखो कोई सॉल्यूशन निकलता है तो इंशाल्लाह निकलेगा। दूसरी बात ये रही कि सुशांत सिंह की डेथ के बारे में, तो जो भी है उसका इंसाफ तो मिलना चाहिए उसको, कि ऐसी क्या बात थी जो उसके साथ ऐसा हुआ। और दूसरी चीज़ ये, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, और उसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई सुसाइड करता अगर उसको पता होता कि सुसाइड क्या होता है? क्या कभी कोई सुसाइड करता? जब किसी को पता ही नहीं होता कि सुसाइड क्या होता है तो कभी सुसाइड करता ही नहीं। अगर ये सुसाइड वर्ड हम लोग बताते ही नहीं अपने बच्चों को, या फिर डिप्रेशन क्या होता है, हम ऐसी हरकत करने लगते हैं तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अभी फ़िलहाल अभी समझो एग्जांपल के तौर पे सुशांत सिंह के बारे में एक बात फैलाई जा रही है, कि फैलाई जा रही है मतलब इन द सेंस कि बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा वो परेशान था, डिप्रेशन में था, उसको किसी ने सताया और वो फांसी ले लिया। अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि हाँ, अगर कोई हमको परेशान करता है, अगर हम टेंशन में आते हैं, तो ऐसा ऐसा करने से खुदकुशी होती है। तो मेरा ये बोलना है कि सुसाइड वर्ड को इतना प्रमोट मत करो, क्योंकि आज के टाइम पे टिकटॉक यूट्यूब पे 50% बच्चे ही होते हैं जो हमारा वीडियो देख के हमसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को वो वर्ड मत सिखाओ, लेकिन उससे कैसे निकलना है वो सिखाओ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली मैं इतना परफेक्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इस बारे में। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मोबाइल वगैरह भीगने के चांसेस है। फ़िलहाल अभी यही है, देखो जो भी पूरा पानी वगैरह भर गया है यहाँ पे मोड़ के सामने, यहीं से गेट खुलता है, हर बकरा मंडी के टाइम पे। फ़िलहाल अभी पूरा
यहाँ पे सील किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। वो साथ तो हमारा सोहेल भाई गए भीगने, क्या दे रहा हो कितना अच्छा लग रहा है ना। एक टाइम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं। इतने सारे जो पत्थर रखे हुए उसको एक के ऊपर एक रख के उसका स्टंप बनाया जाता था और खेलते थे। फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है तो लॉकडाउन की थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन हट गई है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं। और बाहर निकलो तो मैं तो बोलता हूँ अभी भी निकलो तो काम से ही निकलो। जब पूरा लॉकडाउन हट जाएगा तो आराम से यार घूमना। मैं भी अभी हम लोग भी जाने का सोच रहे थे मरीन, लेकिन फ़िलहाल अभी ट्रेन वगैरह बंद है तो हम लोग जा नहीं सकते। बाइक वगैरह है लेकिन अभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को मेरा आधार कार्ड अपडेट करवाना है। ये बहुत टाइम से मैं सोच रहा था करवाने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा मेरे से यार। मेरे को 2020 ख़त्म होने से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है, क्योंकि मैं एक साल से आधार कार्ड अपडेट करने के पीछे पड़ा हूँ और हुआ नहीं है। क्योंकि मेरे को, मैंने अभी तक का अपने नाम पे कभी सिम कार्ड ही नहीं खरीदा, और सिम कार्ड है जो मेरे पास वो मेरे दोस्त के नाम पे, तो उसको मेरे आधार कार्ड से लिंक करा के, यानी उसको मेरे नाम पे करना, क्योंकि वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। फ़िलहाल वो भी 2-3 महीने से बंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। तो ये सब लॉकडाउन की वजह से मैं एकदम फंस गया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा पूरी तरीके से तो मैं अपना एक मोबाइल ले लूँगा, फिर उसका जो भी सिम कार्ड का प्रॉब्लम है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और जब आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा तो मेरा लाइसेंस वगैरह भी बन जाएगा। तो लाइसेंस बनाने के बाद आप लोगों को पता ही है, थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ जा पाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम लोग, जैसे लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाएगा, पूरा क्या बोलते हैं, ट्रेन वगैरह चालू हो जाएगी, तो मरीन वगैरह पहला वहाँ पे खुली सांस लेंगे जाके, और उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है। मेरे दिमाग में तो 2-4 प्लेसेस हैं, लेकिन उसको अलग अलग वीडियो में देखेंगे कैसा करते। अभी जाऊंगा मैं फटाफट घर में, नहाऊंगा, थोड़ा बहुत खाऊंगा, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो हम लोग 2 बजे से भीग रहे हैं और अभी बज रहा है 4:30, मतलब 4:30 बजने को आए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ चेंज करने, तो मेरे को आप लोगों से थोड़ी बात करनी थी सुसाइड की टॉपिक पर, तो देखते हैं कैसी बात होती है। सो गाइज, मैं चेंज वगैरह कर लिया हूँ और सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी हो ही रही है, 7 बजने को आ गया। सो गाइज, मुझे कुछ बात करनी है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि मैं आप लोगों को वहाँ पर भी बोला कि काश ऐसा होता कि हमको सुसाइड का मतलब ही नहीं पता होता, तो क्या हम कभी सुसाइड वाला स्टेप लेते, और क्या होता अगर हमको डिप्रेशंस वगैरह के वर्ड्स नहीं पता होते। हालांकि हम वो फील कर रहे होते लेकिन हमको उससे ओवरकम करने के लिए हमको खाली सिखाया जाता, ना कि हमको ये सब वर्ड्स सिखाए जाते कि इसने ऐसा ऐसा, इसको ऐसा ऐसा हुआ तो इसने ऐसा सुसाइड किया। इससे कहीं ना कहीं जो छोटे एज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं और उनको लगता है कि ये स्टेप लेना ही बेहतर होगा। नहीं क्या कहीं फिल्म वगैरह में देख लिए, कहीं CID में देख लिए, क्राइम पेट्रोल में देख लिए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमको लगता है कि हाँ ये सही है। मतलब उस टाइम पे करना सही लगता है, लेकिन जब हम किसी और को करते हुए देखते हैं तो फिर लगता है इसने गलत किया। तो बस अगर मेरी ये थिंक अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को लगती है कि हाँ, मतलब ये सही बोल रहा है, कि हमको इन सब वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए ताकि हम आगे स्प्रेड ना कर पाए, बच्चों को ना बता पाए कि ये सुसाइड क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिखाना भी हमारे लिए गलत हो जाता है। तो बस रखते हैं आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो चला गया तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालता हूँ मैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिग थम्स अप। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।